हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योमेट्री का पार्ट सिक्स सेशन पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट वन में हम लोग बेसिक ऑफ ट्रायंगल, पार्ट टू में हम लोग इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, पार्ट थ्री में हम लोग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन सेंटर, पार्ट फोर में हम लोग सेंटर ऑफ ट्रायंगल, पार्ट फाइव में हम लोग क्वेश्चन बेस्ड ऑन सर्कम सेंटर पढ़ चुके थे। यदि आप लोग इसी सिक्वेंस में वीडियो नहीं देखे तो ऊपर प्ले लिस्ट पर क्लिक करके आप वीडियो देख ले, फिर आप पार्ट सिक्स देखना स्टार्ट करें। तो चलिए पार्ट सिक्स स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगा दे आप ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। तो आज हम तीसरा केंद्र पढ़ेंगे। पहला केंद्र था इन सेंटर, सेकेंड केंद्र था सर्कम सेंटर, थर्ड है ऑर्थो सेंटर, और फोर्थ पढ़ेंगे हम सेंट्रोइड। तो आज हेडिंग लगा दे आप ऑर्थो सेंटर, तीसरा सेंटर। ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। तो लंब केंद्र में का एक डिफिनेशन जरूरी है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो लिखेंगे द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ हाइट या परपेंडिकुलर इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। ऊंचाइयों या लंबों का प्रच्छेद बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। ये डिफिनेशन केवल पूछा गया है एसएससी सीजीएल टायर वन 2016 के एग्जाम में, तो इस डिफिनेशन को भी आप याद रखेंगे। अब इस डिफिनेशन में एक टर्म यूज किया गया है, हाइट। अब हाइट किसको कहते हैं, आइए पहले हम उसको जान लेते हैं। हाइट, ऊंचाई, ऊंचाई कहते हैं किसी भी वर्टेक्स, यानी शीर्ष से चलकर किसी भी वर्टेक्स, किसी भी शीर्ष से चलकर सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा लंब कहलाती है। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। तो एडी क्या है, यहां लंब है, एडी परपेंडिकुलर है, एडी लंब है बीसी पे। तो लंब किसको कहते हैं, किसी भी वर्टेक्स से चलकर सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा लंब कहलाती है या ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, अब इस डिफिनेशन में है द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ हाइट या परपेंडिकुलर इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। तो एक त्रिभुज में कितना भुजा होता है, तीन भुजा होता है, तो तीन लंब जिस बिंदु पर मिलेगा उस बिंदु को ही हम ऑर्थो सेंटर कहेंगे। तो आइए हम इसका ट्रायंगल भी एक बना लें। अब किसी भी वर्टेक्स, इस वर्टेक्स को मान ले ए, इस वर्टेक्स को हम मान लेते हैं बी, इस वर्टेक्स को मान लेते हैं हम सी। किसी भी वर्टेक्स से चलकर सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा लंब कहलाती है। किसी भी वर्टेक्स से चलकर सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा लंब कहलाती है, लंब। ये हो गया, इसको हम नेमिंग कर दें, इस पॉइंट को डी, इसको ई, इसको एफ। अब ये जो पॉइंट मिला है उसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र कहते हैं, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस ऑर्थो सेंटर पे ये एंगल कितना है, कोण, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ओ। आपसे पूछा जाएगा कोण बी ओ सी बराबर क्या, तो आप हेडिंग लगा दें एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र पर कोण। आप हेडिंग लगा दें लंब केंद्र पर कोण। आप मुझे ये बताइए कि आप ध्यान दीजिएगा, ए एफ ओ ई, ए एफ ओ ई क्या है, एक चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये भी कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा क्या, 90 डिग्री होगा। ये एंगल कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा क्या। अब मुझे बताइए चतुर्भुज ए एफ ओ ई में क्या ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है,
तो ये दोनों कोण 90-90 है, तो 180 हो गया। तो इस दोनों कोण का योग कितना होगा? कोण एफ ए ई और कोण एफ ओ ई, इस दोनों कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा क्या? चारों कोणों का योग, एक चतुर्भुज चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। ये 90 है, ये 90 है, तो इस दोनों का योग कितना होगा? 180। अगर ये 180 होगा तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? कोण ए प्लस कोण एफ ओ ई बराबर 180 डिग्री। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई दो लाइनें, दो रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रच्छेद करे, ठीक है, मान लीजिए ओ पॉइंट पे प्रच्छेद करे, इस लाइन को हम मान लेते ए, इसको ए बी, इस लाइन को हम मान लेते इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को हम मान लेते डी। अगर कोई दो लाइनें एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रच्छेद करे तो आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। इट मीन्स ये कोण और ये कोण इक्वल होगा, ये कोण इस कोण के इक्वल होगा। कब? जब दो लाइनें एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रच्छेद करें। इस कोण को हम क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण। ये आमने सामने का कोण बराबर होता है। कोण ए ओ डी बराबर होगा कोण सी ओ बी के, ठीक है। अब आइए इसी पॉइंट का यहां यूज होगा। आप मुझे बताइए क्या ये लाइन बी ई और सी एफ किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या ये कोण के बराबर होगा क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण, शीर्षाभिमुख कोण के कारण, क्या ये दोनों बराबर होगा? तो कोण एफ ओ ई के जगह हम लिख सकते हैं कोण बी ओ सी लिख सकते हैं। तो इस कोण के जगह हम क्या लिख सकते हैं? इस कोण के जगह हम लिख सकते हैं कोण बी ओ सी, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण के कारण बराबर होगा, आमने सामने का कोण बराबर होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? कोण ए प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं आगे, कोण बी ओ सी बराबर 180 माइनस कोण ए। तो आपसे पूछा जाएगा ऑर्थो सेंटर पर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है? आप बोलेंगे कोण बी ओ सी बराबर होता है 180 माइनस कोण ए। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, याद कैसे रखेंगे? यहां जो ओ है, ओ कैसा पॉइंट है? ओ ऑर्थो सेंटर है। यहां पे ओ कैसा पॉइंट है? लंब केंद्र है। तो याद क्या रखेंगे? कोण बी ओ सी बराबर 180 माइनस कोण ए। यहां पे जो दो वर्टेक्स यूज नहीं हुआ है वही यहां माइनस में होगा। आया समझ में? यहां जो वर्टेक्स यूज नहीं हुआ है वही माइनस में होगा। तो जिस प्रकार कोण बी ओ सी पूछा है उस प्रकार कोण ए ओ सी भी पूछ सकता है। तो कोण ए ओ सी बराबर क्या होगा? 180 माइनस, यहां कोण नहीं है, कोण वर्टेक्स नहीं है, ए और सी है तो क्या नहीं है? बी नहीं है, तो माइनस कोण बी। अब उस प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कोण ए ओ बी बराबर, कोण ए ओ बी बराबर क्या होगा? 180 माइनस, यहां पे क्या नहीं है? सी नहीं है, ए है, बी है, लेकिन सी नहीं है, तो कोण सी माइनस में होगा, ठीक है। ये आपको पहला पॉइंट ऑर्थो सेंटर में याद रखना है, इसको एसएससी इंपॉर्टेंट करके आप लिख लेंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा, पहला पॉइंट तो ये रखेंगे, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे ऑर्थो सेंटर पे एंगल प्रॉपर्टी कितना होता है, लंब केंद्र पर कोण क्या होगा, कोण बीओसी बराबर 180 माइनस कोण ए। अब आपसे पूछा जाएगा तीन पॉइंट और पूछा जा सकता है, तो वो क्या? आपसे पूछा जाएगा पॉइंट ए किस त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर है, पॉइंट बी किस त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर है, पॉइंट सी किस त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर है। तो जस्ट जो भी एंगल है यहां पे उसको ट्रेंगल बना दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा ट्रेंगल बी ओ सी का लंब केंद्र किस बिंदु पर है, तो पॉइंट ए हो जाएगा। ट्रेंगल ए ओ सी का लंब केंद्र किस बिंदु पर है, तो बी हो जाएगा। ट्रेंगल ए ओ बी का लंब केंद्र कहां पे, कौन सी हो जाएगा, बिंदु सी हो जाएगा, ठीक है। बस एंगल को आप ट्रेंगल बना दे वही उसका आंसर हो जाएगा। तो आइए यहां पे देखते हैं, आपसे पूछा जाएगा त्रिभुज बी ओ सी
का लंब केंद्र कहां पे होगा? पॉइंट ए पर। ए पर आपसे पूछा जाएगा ट्रायंगल एओसी का लंब केंद्र कहां पे होगा, तो आप कहेंगे पॉइंट बी। देखिए यहां पे कौन वर्टेक्स नहीं है, बी नहीं है, तो पॉइंट बी पर। आपसे पूछा जाएगा ट्रायंगल एओबी का लंब केंद्र किस बिंदु पर होगा, तो आप बोलेंगे पॉइंट सी पर। आप इसे भी याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, पूछा जाता है, तो इसको आप सेकेंड पॉइंट करके एसएससी इंपॉर्टेंट लगा करके लिख लेंगे। अब इसको याद कैसे रखेंगे, अभी अभी हम बताएं, जो वर्टेक्स यहां पे नहीं होगा उसी पॉइंट पे लंब केंद्र होगा। अब इसको समझिएगा, लंब केंद्र कहते किसको है? लंब केंद्र कहते हैं द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ हाइट या परपेंडिकुलर इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर, ऊंचाइयों या लंबों का प्रच्छेद बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। आपसे पूछा जाएगा पॉइंट ए किस त्रिभुज का लंब केंद्र है, आप देखिएगा ट्रायंगल बीओसी को देखिएगा, ठीक है, किसी भी वर्टेक्स से चलकर सामने वाले भुजा पर 90 डिग्री कोण बनाने वाली रेखा क्या कहलाती है? हाइट कहलाती है। इस वर्टेक्स से चली ये लाइन बी ए लाइन, ये सामने वाली भुजा कौन हो गया? सी एफ पे 90 डिग्री बना रही है, ये 90 डिग्री बना रही है। इस वर्टेक्स से चली सामने वाले भुजा पर 90 डिग्री कोण, देखिए सामने वाली भुजा कौन कहलाएगी? बी ई, यहां पर 90 डिग्री कोण, यहां सामने किसी वर्टेक्स से चलकर सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री कोण, तो देखिए ये भी इस वर्टेक्स से 90 डिग्री कोण यहां बन रहा है, इस पॉइंट पे मिला, इस वर्टेक्स से सीधा लाइन लिए सामने वाली भुजा, देखिए ये सामने वाली भुजा होगी ना बी ई, यहां पे 90 डिग्री कोण बना, ये यहां पे पॉइंट मिला, और इस वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण, यहां पे इसको आगे बढ़ाएंगे इस पॉइंट पे आकर के मिल जाएगा, इसलिए त्रिभुज बी ओ सी का लंब केंद्र पॉइंट ओ पर होगा। ऐसा ही त्रिभुज ए ओ सी का लंब केंद्र पॉइंट बी पर होगा, इसी प्रकार त्रिभुज ए ओ बी का लंब केंद्र पॉइंट सी पर होगा, ठीक है। अब हेडिंग लगा दे नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र का हम अगला कंसेप्ट देखेंगे जो एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल इस वर्टेक्स को ए, इस वर्टेक्स को बी, इस वर्टेक्स को सी मान लेते हैं। अब मुझे हाइट बनाना है, हाइट, तो हाइट किसको कहते हैं? किसी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री कोण बनाने वाली रेखा हाइट कहलाती है, यानी ऊंचाई कहलाती है। तो इस वर्टेक्स से चली सामने वाले भुजा पर 90 डिग्री कोण, इसको मान लेते हैं डी, इस पॉइंट को डी मान लेते हैं। इस वर्टेक्स से चली शीर्ष से चली और सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण, इसको मान लेते हैं ई, इस पॉइंट को, और इस वर्टेक्स यानी शीर्ष से चली और सामने वाले भुजा पर 90 डिग्री का कोण, इसको मान लेते हैं हम एफ, इस पॉइंट को, ठीक है। अब आप देखेंगे इन ट्रायंगल त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में आप देखिएगा त्रिभुज ए डी सी, अगर आप देखेंगे त्रिभुज ए डी सी तो वो कैसा त्रिभुज है? किसी भी त्रिभुज में एक कोण समकोण हो जाए तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज कहलाता है। यदि किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो वह त्रिभुज कहलाता है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज ए डी सी में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होती है? कर्ण कहलाती है और सबसे बड़ी होती है। क्या हम लिख सकते हैं इसमें ए सी इज ग्रेटर देन AD? क्या AC बड़ा होगा AD से? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? आप देखिए ADC में कर्ण बड़ा होता है, तो लिख दिए AC बड़ा किससे? AD से हो जाएगा। अब AC है क्या? AC है साइड, AC क्या है? साइड है यानी भुजा है। AD क्या है? AD है हाइट, हाइट AD क्या है? हाइट यानी ऊंचाई है।
तो क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि साइड बड़ा होता है हाइट से, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सम ऑफ साइड S1 प्लस S2 प्लस S3 इज ग्रेटर देन सम ऑफ हाइट H1 प्लस H2 प्लस H3, यानी तीनों भुजाओं का योग बड़ा होता है तीनों ऊंचाइयों के योग से, तीनों भुजा का योग बड़ा होता है तीनों ऊंचाइयों के योग से, ठीक है। अब भुजा कौन सा हो गया, AC, BC और AB, और हाइट कौन सा हो गया, AD, BE, CF, ठीक है। तीनों भुजाओं का योग बड़ा होता है तीनों ऊंचाइयों के योग से, सम ऑफ साइड इज ग्रेटर देन सम ऑफ हाइट, ये भी आप SSC इंपॉर्टेंट करके लिख लेंगे, ये भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया हुआ है। तो ये हो गया ऑर्थो सेंटर का थर्ड पॉइंट, इसको आप SSC इंपॉर्टेंट करके लिख लेंगे। ये पूछा गया था SSC CGL के टायर 1 2013 के पेपर में, ठीक है। अगर आपको इससे रेशियो निकालना चाहें तो रेशियो क्या होगा, अगर हम इसका रेशियो निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ साइड S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय H1 प्लस H2 प्लस H3 ग्रेटर देन 1 होगा क्या, भुजाओं का योग बटा ऊंचाइयों का योग हमेशा बड़ा होगा 1 से, हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा 1 से, या H1 प्लस H2 प्लस H3 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2 प्लस S3 इज ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से छोटा होगा, ऊंचाइयों का योग बटा भुजाओं का योग हमेशा 1 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अब आप हेडिंग लगा दें, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब आप इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, न्यूनकोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है, न्यूनकोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है, यह भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि न्यूनकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहां होता है, तो आप कहेंगे त्रिभुज के अंदर होता है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष पर होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, अधिकोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है, अधिकोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ज्योमेट्री पार्ट 7 के साथ, तो ज्योमेट्री पार्ट 7 हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑर्थो सेंटर, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, थैंक यू।